पांच के फंडा विनिंग सीरीज 41. वन फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट यहां पे दोस्तों चार आर्टिकल्स दे कॉन्स्टिट्यूशन के और उसके पेयर दिए थ्री फोर्टी फाइव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन थ्री फोर्टी सेवन स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट थ्री फिफ्टी लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रिवेंसेस और थ्री फिफ्टी बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज सो कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है नॉट ध्यान में आए नॉट लिखा है कर लिया ऑब्जर्वेशन याद आ रहा है कुछ क्लिक हो रहा है थोड़ा फैक्चुअल है चलो मैं क्लिक कर रहा हूं आपने क्लिक किया होगा आंसर इज ए 345 इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नॉट ए यूनियन इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन के लिए कौन सा है तो थ्री फोर्टी थ्री थोड़ा सा देख लेते इससे रिलेटेड ब्रीफली नजर मार लेते है ना एक ऐसा है कि पार्ट जो है पार्ट सेवनटीन ऑफिशियल लैंग्वेज है टाइटल है टोटल फोर चैप्टर्स है चैप्टर वन का टाइटल है लैंग्वेज ऑफ यूनियन 343, 344। चैप्टर टू रीजनल लैंग्वेज दैट मीन स्टेट लैंग्वेज और कुछ जो है कुछ सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट थ्री फोर्टी फाइव चैप्टर थ्री लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्री फोर्टी एट थ्री फोर्टी नाइन और चैप्टर फोर्स जो है उसमें स्पेशल प्रोविजन है थ्री फिफ्टी में है थ्री फिफ्टी ए थ्री फिफ्टी बी और थ्री फिफ्टी वन न्यूज में क्या है देख लेते हैं न्यूज में ऐसा है दोस्तों कि फिलहाल जो है गांधीनगर गुजरात जो है वहां पे एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में और थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज का कुछ इश्यू था तो वहाँ पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने कर लिया कि भाई ऐसा कोई भी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश या हिंदी से कम नहीं है ऑल लैंग्वेज आर इक्वल्स बराबर हैं और सभी लैंग्वेज एक साथ आ जाएंगी तभी तो प्रॉपर फ्रेमवर्क पॉलिसी बन पाएगी तो इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बना दिया यहां पे कस्तूरी रंगन जो है डॉक्टर के रंगन हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने कॉन्शियसली द टर्म लोकल लैंग्वेज और मदर टंग है ना जिसमें ट्राइबल लैंग्वेज वगैरह है उसमें उन्होंने कहा है कि इसका बढ़ावा होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इंडिया में माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में क्या है वन माइनॉरिटी नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में माइनॉरिटी ये वर्ड जो है इसकी व्याख्या नहीं बताई है टू आर्टिकल थर्टी मेंशन वर्ड्स लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर्टिकल थर्टी में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज ये वर्ड मेंशन है विच ऑफ़ द बोथ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट समझ आया दोस्तों संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन किस ढंग से पढ़ना है ये ध्यान में रखो कुछ फैक्चुअल इस ढंग से आते हैं क्लिक करें आपने किया ओके मैं कर रहा हूं क्लिक चलो मैच करो आंसर आंसर इज सी बोथ आर करेक्ट माइनॉरिटी ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है और आर्टिकल थर्टी में दो वर्ड है यानी आर्टिकल थर्टी में इस ढंग से कहा गया है कि पहले जैसे ऑल माइनॉरिटीज है ना इस ढंग से कहा गया है कि ऑल माइनॉरिटीज और बाद में वर्ल्ड लिखा गया है ऑल माइनॉरिटीज के बाद में लिखा गया है विदर ऑन द बेसिस विदर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन है ना इस ढंग से लिखा गया है इसलिए ये दो वर्ड जो है यहां पे दिखते हैं यानी माइनॉरिटी स्टेटस इंडिया में दो इस पर है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पर है है ना आर्टिकल यदि देखे जाए माइनॉरिटी के बारे में तो दो आर्टिकल हमें दिखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और आर्टिकल थर्टी आर्टिकल ट्वेंटी नाइन में कहा है कि एक फोकस किया है एक्चुअली या कल्चरल वगैरह सब प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ है ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज वर्ड ऐसा इस ढंग से कहा है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है ना इस ढंग से कहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट सभी आगे उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए और आर्टिकल थर्टी में स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो माइनॉरिटीज के जो राइट्स होते हैं है ना वो कौन से राइट्स है तो भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर रहेमेंट एस्टैब्लिश establish करेंगे और उसको मैनेज भी करेंगे यानी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे क्या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट किस चीज के लिए कि जो माइनॉरिटीज रहती है अपना कल्चर अपना एजुकेशन जो है अपना लैंग्वेज ये प्रोटेक्ट करने के लिए सो इट कम्स अंडर दिस टू आर्टिकल्स कम्स अंडर द टाइटल ऑफ द फंडामेंटल राइट कॉल एज अ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ना यानी सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक अधिकार जो है है ना उसके तहत ही आता है दोस्तों न्यूज में ऐसे है कि थोड़ा सा लोचा हो गया है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्लान ट्रिगर्स द फियर इन आसाम आसाम गवर्नमेंट में कह दिया कि भाई सिक्स कम्युनिटीज जो है उसको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा अब बहुत सारे इंडिजिनियस ग्रुप है बेंगाली ओरिजिन के मुस्लिम्स है उन्होंने कहा कि ये डिवाइड एंड है ना डिविजिव पॉलिसी रूल्स है ये जबरदस्ती कुछ डिवाइड किया जा रहा है या वहाँ के जनताओं में इस ढंग से थोड़ा सा फियर साइकोसिस डेवलप कर रहा करने की कोशिश की जा रही है है ना अब ख़ास बात है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो करना चाहता है आ, आसाम गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैटस तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदूज में माइनॉरिटीज आते हैं दो इट इज दे आर नॉट माइनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल स्टेट लेवल में नहीं आते लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्स में वो आते हैं तो ऑब्वियसली इसके वजह से एक थोड़ा थ्रेट और दूसरे तरफ से कुछ जो ग्रुप्स है वो इन्होंने ये वेलकम किया है कि बहुत अच्छा है खास बात है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई माइनॉरिटीज सर्टिफिकेशन मिलने की वजह से जितनी वेलफेयर स्कीम्स है ऑब्वियसली एक बार माइनॉरिटी स्टेटस डिक्लेयर हो गया तो बहुत सारे वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट पहुंचाना आसान हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यू ए पी ए वन इंक्लूड्स फ्रॉड एज अनलॉफुल एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटी में घोटाला जो है फ्रॉड ये इंक्लूड है दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल विल इंक्वायर द मैटर यहाँ के जो भी मैटर्स है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल ये देखेगा तीसरा है ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल ऑफेंस सभी ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माने जाएंगे ऐसे तीन स्टेटमेंट है आपको करेक्ट कोड यूज करना है जल्दी कीजिए हरिया ओके क्लिक किया मैं कर रहा हूं क्लिक

ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस उसको प्रोटेक्ट करना है साथ में टेररिज्म जो है टेररिज्म से भी इंडिया को प्रोटेक्ट करना है इसके लिए ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है है ना काफी पुराना है चलो देख लेते हैं न्यूज में क्यों आया दोस्तों न्यूज में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने है कुछ प्रोसीडिंग फ्रीज कर दी गई है ंडर सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ए ऑफ आई पी सी सिम्स आई नॉट एटमेड रिपल ऑन द ग्राउंड फॉर पर्सन हुईसो चार्ज अंडर दू ए पी ए नाइनटीन सिक्सटी सेवन में बनाए है ना अब होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डाटा रिलीज किया है और कहा है कि अराउंड फिफ्टी थ्री परसेंट ये एक्ट के अंडर में जो जेल में है वो बिलो एज थर्टी है हम समझ सकते हैं कि किस ढंग से यूथ जो है उसकी पूरी जिंदगी इससे बर्बाद हो रही है सो एक्चुअली इट इज अ टोटली अगेंस्ट द नेचुरल राइट्स है ना नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट में है लेकिन ये एक तरफ से देखा जाए तो कहते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोटेक्टिंग है ना द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है ना इसी वजह से ये सब खेल चल रहा है ये गलत है भाई अब इसमें खास बात है कि और अमेंडमेंट किए गए 2019 में और इसके पहले डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन अभी इंडिविजुअल एक्टिविटी भी टेररिज्म के दायरे में आ गई है तो ये बड़ा डेंजर काम हो गया इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट कहा जाता है इन जनरल टेररिज्म इज अ ग्रुप एक्टिविटीज है ना तो ये थोड़ा सा एक्ट uh, एक तरफ से देखा जाए इफ वी लुक आफ्टर फ्रॉम द थ्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वगैरह तो ये बहुत अच्छा है भाई चलो लेकिन इफ इट इज मिसयूज दैट इज अ मेजर इश्यू वो ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे आता है अब खास बात है कि यहां पे बेल नहीं मिलती भाई और बेल न मिलने की वजह से बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है अब यूएपीए ये आफ्टर अमेंडमेंट हाउ इट वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन 1977 कि भाई बेल एंड नॉट अ जेल शुड बी अ नॉम बेल एंड नॉट अ जेल शुड बी अ नॉम तो अभी बेल ही नहीं तो बेचारे पूरी लाइफ सड़ रहे इस ढंग से हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पंडित भजन सोपोरी बिलोंग्स टू विच हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घराना कौन से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घराने से पंडित भजन सोपोरी बिलोंग करते हैं सुफियाना घराना ख्याल घराना जयपुर अतरौली घराना मेवाती घराना कौन से घराने से करते क्लिक कर रहा हो जल्दी हरि आप, आप भी कीजिए आंसर घराना। घराना दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है ये घराना ये डेडिकेटेडली मतलब ये सोपोरी जो है इनसे है सिंस बहुत सारे जनरेशन से ये घराना चल रहा है, है ना ये कंप्लीटली uh, uh, मतलब uh, यहां पे है कश्मीर वैली में ही हमें ये घराना दिखता है न्यूज में इसलिए दोस्तों बुरी खबर है कि पद्मश्री अवार्डी जो है पंडित भजन सोपोरी इनका निधन हो गया है सेकंड uh, जून 2022 को ही वाज कॉल्ड एज अ संत ऑफ संतूर संत ऑफ संतूर उन्हें कहा जाता था बट ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ कल्चरल ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर ब्रिज बिटवीन द कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया एंड कॉल संतूर अ लिविंग अ सिंबल ऑफ अ नेशनल इंटीग्रेशन सी हाउ द म्यूजिक है ना म्यूजिक इज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ अ नेशनल इंटीग्रेशन सुफियाना घराने से और नर्चर उन्होंने नर्चर किया है शहवाइट सुफी हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशंस 300 साल से ये कश्मीर वैली में ये घराना अपना वर्क कर रहा है बहुत सारे इन, इनके कलेक्शन से प्रेयर्स से तराना ये वतन ये एक अल्बम भी कंपोज किया है साथ में ये कंपोजिशन में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग्स वैदिक चांड्स तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कल्चरल इंटीग्रेशन ट्रूली कल्चरल इंटीग्रेशन का काम जो है ये सोपोरी इन्होंने किया है है ना और बहुत सारे इंस्पायरेशन उनका जो था वो लालेश्वरी और गानिश कश्मीरी, ये संतों से वो इंस्पायर्ड हो गए थे उनके पिताजी जो थे शंभुनाथ सोपोरी, इन्होंने जो है संतुर बजाने के लिए अर्ली एज में भजन सोपोरी इनको कहा था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आई एल एम टी लोकेटेड इन कहां पे इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लोकेटेड है कोडाई कनाल तमिलनाडु देवस्थल उत्तराखंड एलगिरी तमिलनाडु एंड हानले लद्दाख जल्दी बताइए हरे अब मैं क्लिक कर रहा हूं एकदम से वन लाइन क्वेश्चन है आंसर इज बी देवस्थल उत्तराखंड है ना आप भाई चारों के चारों जो है ना प्लेसेस दिस आर रिलेटेड विद टेलीस्कोप ये ध्यान में रखो अब जैसे कोड़ाई कैनाल जो है कोडाई कैनाल में सोलर ऑब्जर्वेटरी है ठीक है सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये रन करती है देवस्थल में और भी है देवस्थल में बाकी भी जो है दूसरी एक ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी है एलागिरी जो है एलागिरी में भी एक टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है है ना ये ऑब्जर्वेटरी को बापू ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है लद्दाख जो है हनले लद्दाख यहां पे भी हमें एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल और इंफ्रारेड और ग्यामा है ना इंफ्रा रेड और ग्यामारेड ग्यामारेड रे टेलीस्कोप यहां पे है तो चारों के चारों जो है ये ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड है चलो न्यूज में क्या है देख लेते न्यूज में ऐसा दोस्तों कि कनाडा, बेल्जियम इंडिया इनके साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन से देवस्थल में है ना हाइट कितने है 2450 मीटर यहां पे आर्या भट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस कैंपस में ये आ, जो है मिरर टेलीस्कोप लगाया गया लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये 4 मिलीमीटर mm थिक है 4 मीटर डायमीटर है पैराबोलिक शेप है इसका और मर्क्यूरी से बना है आशिया का सबसे लार्जेस्ट अब मर्क्यूर से बनने के वजह से ऑब्वियसली ये लिक्विड से बना है लिक्विड मेटल से बना है तो ये रोटेट नहीं कर सकते है. तो ये क्या किया है फिक्स किया है और, अपने sky में, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है ये भी धीरे धीरे रोटेट होते रहता है और पूरे स्काय को कवर करता है 365 सिक्सटी डेज बराबर है सिर्फ एक्सक्लूडिंग रेनी सीजन रेनी सीजन में क्लाउड रहता है तो तब ये नहीं करता ठीक है अब देवस्थल में देखा जाए तो एक फिलहाल में ऑप्टिकल टेलीस्कोप है इसके साथ ये वर्क करने वाला है, है ना दोनों मिलके वर्क करने वाले और बहुत सारा डाटा जो ये कलेक्ट करेंगे जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल से इसका एनालिसिस किया जाएगा फिलहाल में फर्स्ट इमेज जो है इससे मिली है बहुत सारे स्टार की और साथ में एक गैलेक्सी है एन जी सी फोर टू सेवन फोर ये 45 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारे से इसका एक आ, जो है इमेज मिल चुकी है तो दोस्तों पांच क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे अच्छे से पढ़िए बार बार देखिए रिपीट कीजिए रिवाइज कीजिए बहुत जरूरी है जितना रिवीजन करेंगे उतना मजबूत हो जाएगा क्योंकि मैं साथ में आपको डाटा भी दे रहा हूं ऑल द बेस्ट